बॉक्स और हथियार लाए हो? ले बॉब, अभी हथियार लेकर नहीं आएंगे तो क्या तेरे को अपनी शक्ल दिखाने को आएंगे? कितना माल लाए हो? अरे 50 AK-47 और 5 किलो RDX। इतने माल से क्या होगा, हमें पुलिस और हुकूमत के साथ जंग करना है, ज्यादा माल चाहिए। ए भाई, तेरे को ज्यादा माल चाहिए ना तो एक ही आदमी सप्लाई कर सकता है, अंडरवर्ल्ड का डॉन लुक्का भाई। 8 किलो 400 गर्द लाया हूँ। माल बहुत महंगा है। महंगे का फिक्र मत करो, मैं डॉलर से पेमेंट करूंगा, मगर मेरे को माल ज्यादा चाहिए। कितना चाहिए? 100 किलो। 100 किलो? हाँ, यूथ फेस्टिवल है, सारे देश का स्टूडेंट आएगा। इतना माल तो सिर्फ एक ही आदमी दे सकता है, वो है हम सबका बाप लुक्का। लुक्का? क्यों बुलाया मुझे? तेरी खाली जमीन पर कब्जा करने के लिए। नहीं, ये जमीन में लुक्का को नहीं दूंगा, 30 लाख रुपए में खरीदी है मैंने। समझ ले कि तेरे 30 लाख रुपए जल के राख हो गए, क्योंकि इस शहर में हर खाली जमीन पर अपने भाई लुक्का का कब्जा होता है। ये मेरे जीते जी नहीं हो सकता। तो देर मत कर, जल्दी से मर जा। क्या बोला? तू करोड़ों रुपए का अनाथाश्रम बना देगा, मगर लुक्का भाई को फूटी खौड़ी तक नहीं देगा। ए गुलशन सेठ, वो लुक्का भाई है ना, तेरा गुलशन उजाड़ देगा। हाँ, और वो अनाथ आश्रम सबसे पहले तेरे बच्चों के एडमिशन के साथ ही चालू होगा। हाँ। क्या तांडिया जेल से छूट गया तो क्या वो लुक्का भाई पर चिल्लाएगा? ए लुक्का, सामने देख, तेरा बाप तांडिया आया है। तांडिया! आओ तांड्या, तांड्या भाई, आओ तांड्या, तांड्या भाई। भाई, भाई मत बोलना, भाई मत बोलना। अरे काहे को भड़क रहेला है तू? तू हरामी कसाई है जो अपनी दौलत के लिए अपनी माँ की बोटी बोटी करके बेच डालेगा। अरे भड़कता काहे को है, हुआ क्या? हुआ क्या? अरे कौवे ने चील का चुम्मा लिया और चील ने चूहे का बच्चा पैदा किया। क्या किसके लिए? क्या भूल गया क्या वो दिन, हाँ, जब तू दिन में बूट पॉलिश और रात को तेल मालिश किया करता था? मवाली लोग तेरे को चिकना चिकना बोलकर तेरे पिछवाड़े हाथ फेरते थे, इससे पहले उनका हाथ गलत जगह पहुंचे, भाई ने तेरा हाथ पकड़ा, दादागिरी की चार चौपड़ी पढ़ाई, चाकू पकड़ना सिखाया, और तू पुलिस के साथ मिलकर मेरा ही उल्टू कर दिया। सला फटेली चड्डी पहनने वाला मेरी गद्दी पर बैठकर नोटों की गड्डी गिनने लगा। हाँ तो फिर क्या करता मैं, क्या करता मैं? तू साला दिन रात दारू पी के वो चंपाकली के गली में मूंगफली खाता फिरता था, और मैं साला यहाँ पुलिस की गाली और वो ठोकू दादा की गोली खाता था, क्या करता था मैं? ए लुक्का भाई, बोले तो अपन इसको नीचे से छेद छोटा कर डाले क्या? ए मुन्ना चुप। अबे चल बे, इससे पहले मैं तेरे बाप की मुंडी इस तरह घसड़ घसड़ कर मारूंगा जैसे बंदर सांप को जमीन पर रगड़ रगड़ कर मारता है। साला फकीरों का चेहरा लेके जुर्म के शहंशाह से लड़ने की कोशिश मत कर, वरना तेरी हालत उस खटमल जैसी होगी जो खून पीने के लिए खटिया के खांचे से दिन में बाहर निकलता है। अबे चल बे, मैं धोबी घाट पे टूटेली खाट पे लिटा लिटा कर मारूंगा, ऐसी उल्टी पलटी करके मारेगा कि तू खून की उल्टी करके मरेगा। अबे बुढ़े साला, टूटा हुआ खंडर, अंडरवर्ल्ड का डॉन मैं हूँ, एक लुक्का। मैं तेरा वो बुरा हाल करूंगा जो दिमक लकड़ी का और चिपकली मकड़ी का करती है। मैं तेरे पूरे खानदान को ऐसे छील डालूंगा जैसे कटने के बाद बकरे को छीलते हैं। तू बकरे का दूध पी के अपने मूंछ के बाल उखाड़ते रहे, मैं चला तेरी गोल बस्ती पर कब्जा करने। किसी ने सच्ची बोला है, जब पुराना जूता काटने लगता है तो उसे गटर में ही फेंकना चाहिए। तांडिया है ना? हाँ। तांडी आके कह के गया पूरा बस्ती पे उसका राज है। अब लुक्का का भाई टकला आएगा और टकला आके पूरा कर देगा इधर धमाल। बहुत खतरनाक शूटर है। अच्छा, पिछले महीने उसने लोखंड वाला के पीछे जो प्रोड्यूसर रहता ना, फिल्म प्रोड्यूसर, उसको मारा था। अच्छा। और जो सावन सावन यूनियन लीडर था ना, उसको भी उसी ने मारा था। अब देखना थोड़ी देर में आएगा वो। देखो आ गया। हवलदार लोग,
चलो यहाँ से फुटो, यहाँ बहुत बड़ा राड़ा होने वाला है। अच्छा भाई, अच्छा भाई, अच्छा। टकला भाई टांडिया बस्ती में नहीं है। टांडिया तो यहां से फूट गया लुक्का भाई। तो फिक्र मत कर टकला, उस हरामजादे की मैं ऐसी नस दबाऊंगा ना कि मिल के भोंगे की तरह चिल्लाएगा वो देख। लुक्का भाई, ये टांडिया की बहन है। लुक्का मुझे छोड़ दे, टांडिया तुझे छोड़ेगा नहीं। ए, कोई नहीं लेगा अपनी जगह से। आज तक तुम लोगों ने पिक्चरों में रेप देखा होगा, आज ये असली रेप देखो। बाटला, बहुत दंड पेल लिए तूने, बहुत गर्मी है ना तेरे खून में, जा इस आग में जलकर ठंडा हो जा, जा। क्या बोलता है? लुक्का ने मेरी बहन की इज्जत लूटी, उसे जिंदा जलाया। अब देखना, मैं उसकी ऐसी वाट लगाऊंगा, या तो मैं जिंदा रहूंगा या तो वो। लुक्का, लुक्का, भाई जिगर में दम तो बाहर निकल, आज मैं रहूंगा या तू। लुक्का निकल बाहर, देख मैं तेरे को लुटकाने आया हूं। अबे तू मुझे क्या लुड़काएगा तांडिया? अबे ढिल्ले नाड़े, देखा ना मेरा नाड़ा कितना टाइट है। लुक्का, तेरी दुश्मनी मेरे से थी, तूने मेरे बहन को काहे को मारा रे, काहे को मारा? क्योंकि तू अपनी बहन को दिखा के पुलिस और लीडर का सपोर्ट लेने वाला था, अपनी बहन की जवानी को बेचकर मुझसे गैंग वॉर करा के अपने आप को अंडरवर्ल्ड का डॉन बनाने की कोशिश में था। तो क्या गलत कर रहा था मैं? तूने भी तो अपने बीबी और साली को सप्लाई किया था। तूने मुझे भड़वा बोला, लेकिन बहुत कड़वा बोला। अबे ओ कड़वे करेले, तेरी बहन मरने के बाद तेरी हालत उस एड्स लगी रंडी की तरह हो गई है, जिसके पास कभी कोई ग्राहक नहीं जाता। ये तू सच बोला रे? मैं वो सिनेमा का आधा टुकड़ा हूं जिसकी कीमत 100 खत्म होने के बाद 2 कौड़ी की भी नहीं रहती। मेरी बहन मेरी आखिरी मुड़ी थी, वो खत्म हुई, शो खत्म हुआ। अब मैं क्या करूं? देख देख, दाल रोटी के बदले तू मेरे को अपना नौकर बना ले, मैं तेरा रुमाल धोएगा, चट्टी धोएगा, तेरा कुत्ता तेरा घोड़ा बनकर रहूंगा। लेकिन नहीं तांडेल, पुराने दादा लोग कह गए हैं कि जो एक बार टक्कर देने को आए, हार मानने के बाद उसे कभी पनाह मत देना। हाँ, मौत का हार उसे जरूर पहना देना। तो मार डाल, मार डाल मुझे। अब मैं बिना पेट्रोल की गाड़ी और बिना नशे की ताड़ी हूं। अब मैं वो फटेली साड़ी हूं जिसको कोई हिजड़ा भी नहीं पहने। अब जाके तूने सही चीज मांगी है तांडेल। अब देख, मैं तेरे इस काले कलर पे लाल रंग से इस तरह से मेरा नाम लिखूंगा जिस तरह से पुलिस वाले कागज पर गैंग वॉर की रिपोर्ट टाइप करते हैं। इंस्पेक्टर काले को भेजो। सर, क्या बे नया है? और अभी से इतना पेट भार है? पहले से खा पी कर आया है? सीधा खड़े रहे, पेट अंदर सीना बाहर, मेरी तरह। जी सर। बैठ। इंस्पेक्टर काले रिपोर्टिंग। कहाँ थे अब तक? जी टीवी देख रहा था। जी टीवी देखना जरूरी है? ये रिपोर्ट पढ़ी तुमने? साहब, अपने डिपार्टमेंट के क्लर्क लोगों को
सरकारी कागज खराब करने के सिवा आता ही नहीं है। क्या मतलब? ये खबर तो अखबार में पहले छप चुकी है। काले, अखबार वाले हर रिपोर्ट को नमक मिर्च लगा के छापते हैं, बल्कि ये रिपोर्ट कानूनी है। गोलबस्ती के तांडिया का खून हो गया, उसकी बहन को जिंदा जला के मार दिया गया। क्या किया तुमने सिलसिले में? इंक्वायरी चल रही है, जैसे ही प्रोग्रेस होगा आपको बता दिया जाएगा। अब जाओ जी टीवी देखने के लिए। फिर टीवी? अरे समझने की कोशिश कीजिए साहब, दिल्ली में सरकार बदल रही है। टीवी में न्यूज देखकर ये पता चलेगा कि कानून और पुलिस को किस पार्टी के नेताओं की रखेल बनकर रहना पड़ेगा। काले, तुम्हारी यह हिम्मत कि पुलिस और कानून को नेताओं की रखेल कहो? जानते हो मैं तुम्हें सस्पेंड कर सकता हूँ। आप कुछ नहीं कर सकते। माना कि आपके कंधों पर मुझसे कई ज्यादा सितारे, लेकिन मेरे पीछे इतने सियासी हाथ हैं जितने आपके सर पे बाल भी नहीं होंगे। सारी सियासत धरी की धरी रह जाएगी काले, जब मैं होम मिनिस्ट्री में तुम्हारी रिपोर्ट करूंगा। कंप्लेन करके देख लीजिए, कुछ नहीं होने वाला। गद्दार हो तुम कानून के। वफादारी कौन करता है? आप जैसे मुट्ठी भर लोग जिनको रहने को घर भी नहीं है। एक शेर सुनाता हूँ, गुस्सा नहीं होना। भीख मांगनी पड़ती है कानून के वफादारों को, तर माल खाने को मिलता है देश के गद्दारों को। अब भी वक्त ईमानदारी को अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझकर मार डालिए, वरना आपका वही हाल होगा जो कमिश्नर वर्मा का हुआ था। वैसे आपके कहने के मुताबिक गोलबस्ती में कर्फ्यू लगा दिया है। अब मैं जाऊं, आधा बरसे। ये क्या कर रहे हैं आप? अरे टेढ़ा है, तुम्हारे सीने पे लगा हुआ बैज टेढ़ा है, उसको सीधा कर रहा हूं। और सुना है, सर का ताज टेढ़ा हो तो रानी रानी नहीं कहानी लगती है। ए, बस्ती में कर्फ्यू लगे ला है और तुम इधर घूम रहा है, क्या नाम है तेरा? शंकर। रहता किधर है? यही रहता हूँ। काम क्या करता है? इंस्पेक्टर था, सस्पेंड हूँ। हाँ, रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया था क्या? नहीं, रिश्वत लेते हुए इंस्पेक्टर को गोली मार दी थी। अरे पुलिस वाला होकर इतना भी नहीं मालूम है तुमको? इधर कर्फ्यू लगाए, जा जाओ, चलो अपने घर पर जाओ। जी, जाता हूँ। लक्ष्मी, ये बस्ती में कर्फ्यू किस बात का? भैया, बस्ती पे कब्जा करने के लिए ये गुंडे आपस में लड़ते ही रहते हैं। आज ही एक लड़की की इज्जत लूट के उसे मार दिया गया। भैया, आखिर ये गुंडागर्दी कब तक चलेगी? कुछ ना कुछ जरूर होगा लक्ष्मी, जिस दिन मेरा उन गुंडों से सामना होगा। ले बाप, ए लुक्का भाई, आज का सामना पड़ा क्या? क्या हुआ, फिर किसी में लुक्का भाई का सामना करने की हिम्मत पैदा हो गई क्या? अरे हर एक नेता शास्त्री जिसने गांधी जी के साथ मिल के आजादी की लड़ाई लड़ी थी, अभी हम गुंडों के पीछे पड़ गया भाई। अच्छा। अभी वो कल सरकार के सामने मोर्चा निकाल के सन की तांडिया और उसकी बहन के हत्यारों को सजा दिलाने की मांग करने वाला भाई। गांधी जी चले गए, इन चेलों को छोड़ गए, लेकिन इन चेलों को पता नहीं है कि इस आजाद भारत पर गुंडों का राज चलता है। इस गुंडा राज को मिटाने के लिए हम विधानसभा तक जाएंगे। अपने देश को आजाद कराने के लिए हमने अपनी औलादों की कुर्बानी इसलिए नहीं दी कि ये गुंडे तलवार चाकू और बम के धमाकों से हमारे देश पर हुकूमत करे। हम लुक्का को गिरफ्तार कराने के लिए मोर्चा निकालेंगे। बोलो गुंडा राज, मुर्दा राज, गुंडा राज, मुर्दा राज, गुंडा राज, मुर्दा राज, गुंडा राज, मुर्दा राज, गुंडा राज, मुर्दा राज। मांग और मरने की दुआ मांग, ताकि हमारी उम्र और लंबी हो जाए। सबसे लंबी उम्र शैतान की होती है, लेकिन सारी दुनिया नफरत से उसके नाम पर थूकती है। लगता है तुझे मौत से डर नहीं लगता। अंग्रेजों की गोलियां खाकर जिंदा रहने वाला तुम जैसे सड़क छाप गुंडों से क्या डरेगा? अब हम तेरी छाप सड़क पर लगाएंगे। क्योंकि जिसने भी अंडरवर्ल्ड के डॉन को ललकारा है, लुक्का ने उसे भरी सड़क पर।
हवलदार, इस लावारिस लाश को पोस्टमार्टम के लिए लेके जाओ। अरे तुम लोग सब इधर खड़े खड़े क्या मुंह देख रहा है? तमाशा हो रहा है, शूटिंग हो रहा है इधर? चलो इधर से, खेल खत्म हो गया। खेल नहीं इंस्पेक्टर, खून हुआ है, वो भी आजादी के एक सिपाही का। अरे आजादी मिल गई, फिर आजादी के सिपाही को जबरदस्ती तलवार चलाने की क्या जरूरत है? ये गुंडा है, ये मवाली है, ये लोफर है, ये लुच्चा है, मिल गई ना इसको आजादी। ये आवाज तुम जैसे पुलिस वालों के खिलाफ उठानी पड़ती है, क्योंकि तुम लोग देश को गुंडों के हवाले करने पर तुले हो। हमारा गुंडों से कोई रिश्ता नहीं है। रिश्ता है, वही रिश्ता जो एक रांड और भड़वे का होता है। ए शंकर, पुलिस को गाली नहीं देना। मेरा नाम जानता है? हाँ मालूम है, तेरा नाम शंकर है। तो जाकर कह दे उन गुंडों से शंकर आ गया है, और साथ ही उनके बुरे दिन भी आ गए हैं। इसकी कंप्लेन लुक्का भाई से करना पड़ेगा। तो क्या बोला तेरे काले को कि मेरे बुरे दिन आ गए हैं? बुरे नहीं, आखिरी दिन आ गए। ये माचिस का तिली देखा है? इसके ऊपर बारूद लगा हुआ है, इससे कान खोदने की कोशिश मत करना, आग लग जाएगी, और आग लग जाएगी तो कान फट जाएगा, याद रखना शंकर। मैं खोदता नहीं, सिर्फ दफन करता हूं। लुक्का भाई बोले तो इसका आंकड़ा फिट कर दो। ये पंजा देखा है? ये पंजा कोई मटके का आंकड़ा नहीं, ये पंजाब का पंजा है, पड़ गया तो। शंकर तेरे को मुंबई की एक मशहूर चीज मालूम है क्या? धक्का, ट्रेन का धक्का, रेशन का धक्का, बस के लाइन का धक्का। यहां की पब्लिक हर धक्के को सह लेती है और जी भी लेती है, लेकिन लुक्का का धक्का। लुक्का धक्के से आदमी शायद बच जाए, लेकिन इस पंजे से बचना। हे भाई देखता क्या, घोड़ा निकाला और गोली चला। नहीं नहीं टकला, ये साला बराबरी का मामला है, मजा आएगा, इससे लोहा लेने में मजा आएगा। स्पीकिंग, क्या शंकर ने लुका को ओपन चैलेंज दिया? लगता है उसे मुस्तफा भाई से मिलाना ही होगा। क्यों मिलना चाहते हो? सुना है कि तुम बहुत बहादुर हो, गीता कभी झूठ नहीं बोलती। तुम वही तो नहीं जो पहले अंडरवर्ल्ड में था? समझ में आ गया, ये अंडरवर्ल्ड ठीक नहीं है। हम खुद इसके अंदर कितने साल था, छोटा भाई मारा गया, साथी मारे गए, बीवी छोड़कर चली गई, क्यों नहीं छोड़ेगी? इस धंधे के अंदर बच्चों का क्या फ्यूचर है? सिर्फ 35 साल की लिमिट है, उसके बाद दी एंड। यहाँ पर या तो आदमी पुलिस की गोली से मारा जाता है या गैंग वॉर में। मुझको देखो, मुझको देखो, ये हाथ नहीं है मेरे पास, क्योंकि एक दिन जब मैं लुका को समझाने गया, लुका बाहर निकल। अरे क्या बात है मुस्तफा, साला हिंदू मुस्लिम फसाद हुआ नहीं और तू नाना की तरह चिल्ला क्यों रहा है? मुस्तफा भाई बोलते हुए शर्म आती है क्या? देख जब मुंबई था तो तू अंडरवर्ल्ड का भाई था,
लेकिन अब बंबई का मुंबई हो गया तो अपन मुंबई का भाऊ बन गया। वैसे तेरे नाम के आगे भाई लगाने से तेरी इज्जत नहीं बढ़ेगी, क्योंकि तू गुजरा हुआ कल है और मैं आज हूं आज, जिसका आखे मुंबई शहर पे चलता है राज। तेरे को राज करने के लिए कौन रोकता है, लेकिन तू ये हथियार सप्लाई करने का धंधा क्यों शुरू किया रे? अरे जमीन पे कब्जा करके बिल्डिंग बनाने का, बिल्डर या नेता लोगों का सुपारी लेने का या हथियार सप्लाई करने का, एक ही बात है। साला बकरी काटो या मुर्गी, मतलब तो रोटी और बोटी से, और क्या। लुक्का, तेरी माँ ने तेरा यह नाम लुक्का गलत रखा। तेरा नाम होना चाहिए था लुखा। लुखा रोटी और बोटी कमाने के लिए कोई अपनी माँ को रंडी के कोटे पे नहीं बिठाता। याद रख, अगर तूने ये धंधा नहीं छोड़ा तो बर्बाद कर दूंगा। भीख मांगने के लिए हाथ में कटोरा भी नहीं छोड़ूंगा। मैं तो तेरे को मर्द समझ रहा था, लेकिन तू किसी छिनाल औरत की तरह मुझे कोसने लगा है। मगर याद रख, मगरमच्छ के छींकने से मच्छर मरते हैं, मर्द नहीं। ए, मच्छर को कम मत समझ, नाना पाटेकर ही बोला है, एक मच्छर आदमी को हिजड़ा बना देता है। देख मुस्तफा, ज्यादा हवा में उड़ने की कोशिश मत कर। नारियल कितना भी बड़ा हो जाए तो भी उससे लटकना पड़ता है डाली के नीचे। अगर तेरा नाम मेरे हिटलिस्ट में आ गया ना, तो समझ ले तू गया। लुक्का, एक ना एक दिन तुझे भी ऊपर जाना है। अगर तूने इस देश के टुकड़े करने की कोशिश की ना लुक्का, मैं नहीं। निकालने दो उसे अपने दिल की भड़ास। मैं भड़ास नहीं निकाल रहा हूं, तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं। तुमने अंडरवर्ल्ड के असूल तोड़े, उसे बदनाम किया है। याद रख, जो इस देश का दुश्मन वो मेरा दुश्मन। टल गई तेरी मौत, टल गई मेरी अंधेरी खोपड़ी में अकल की लाइट जल गई। इसके आगे तू इन हाथों के बिना जिएगा। मुझसे लड़ने की बात तो कहीं दूर की रही, इन हाथों से अपनी खुजली तक नहीं मिटा सकेगा। खुजली तो मैं मिटाऊंगा तुम्हारी और तुम्हारे इन चमचों की। कौन से धंधे में एक साथी दूसरे साथी को मारता है? शंकर, कभी सुना है कि एक डॉक्टर ने दूसरे डॉक्टर को मार दिया? सिर्फ यही धंधा जहां एक गुंडा दूसरे गुंडे को मारता है। शंकर, समझाओ इन नौजवानों को ये अंडरवर्ल्ड का धंधा अच्छा नहीं है। समझाओ इन पेपर वालों को जो गुंडों का बड़ा बड़ा फोटो पेपर में छाप कर उनको हीरो बनाता, नहीं है, ठीक नहीं है। शंकर, खत्म कर दो तुम लुक्का को, खत्म कर दो तुम इस अंडरवर्ल्ड को। हम तुमको बताएगा कि तांडिया की बहन का खून किसने किया है। हम किसने किया है? बाबू बाटला। बाटला, इसके बाद मुझे लुका भाई मजा आ रहा है? हाँ बहुत मजा आ रहा है। हाँ बहुत मजा आ रहा है। अरे क्या मजा आ रहा है, पैसा मेरा लूट रहे हो और मजा तुम लूट रहे हो। हेलो। क्या हुआ, तुम्हारा चेहरा किसी गर्भवती बिल्ली के लटकते हुए पेट की तरह क्यों लटक रहा है? लुक्का भाई, वो शंकर बाटला को बहुत दौड़ा रहा है, अगर उसने उसे दौड़ाते दौड़ाते थका दिया तो फिक्र मत कर, बाटला नहीं थकेगा, अपने हेलीकॉप्टर ही शंकर को थका देगा।
मुझे मत मारो, मैं सब कुछ बताता हूँ आपको, मैं अपने गुनाह कबूल कर लूंगा, मैं लुक्का के खिलाफ गवाही भी दूंगा। नहीं बाटला, नहीं, तो आप उनके खिलाफ गवाही नहीं देगा। ये गवाही देगा, दम है तो रोक ले। देख शंकर, तो आप उनको ठीक तरह से जानता नहीं है। आप उन आसमान को टूट के गिरने से और धरती को फटने से रोक सकता है, ये बाटला तो मामूली चीज है। लुक्का, तू उस बेवकूफ चींटी की तरह है जो शक्कर का दाना उठाकर समझती है कि उसने चट्टान उठा ली है। ए शंकर, भाई को चींटी बोलेगा तो मसल डालेगा तेरे को, समझा क्या? शंकर को मसलने के लिए मर्द का दिल चाहिए, और वो दिल किसी दुकान पर नहीं मिलता। मर्द का दिल उसी के पास होता है जिसकी माँ के दूध में दम होता है। जब अपन तेरी हड्डी तोड़ेगा तब तेरे को पता चलेगा कि अपने अंदर कितना बड़ा दम है। ए, रुक जाओ, रुक जाओ, रुका, अपने आप को कानून के हवाले करते। ए कमिश्नर, अपने भाई को हाथ मत लगाना। बहुत हमदर्दी ना तुझे अपने भाई के साथ। चल, तेरे भाई के साथ तुझे भी अंदर कर देता। चल। कहो कमिश्नर, हाउ आर यू? फाइन थैंक यू सर, कहिए कैसे आना हुआ? मैंने सुना है कि तुमने अंडरवर्ल्ड के डॉन लुक्का को गिरफ्तार कर लिया है, मुबारकबाद इन चलाया। इसे गिरफ्तार करने में और इसके साथी बाटला के खिलाफ बयान दिलाने में मिस्टर शंकर ने हमारी बड़ी मदद की। कानून की मदद मैंने अपना फर्ज समझकर की है। अब देखना यह है कि कानून इन लोगों को वाजिब सजा देता है या नहीं। मंत्री जी नमस्ते। कमिश्नर साहब, मैं मिस्टर लुक्का और मिस्टर टकला की जमानत के ऑर्डर कोर्ट से लाया हूँ, ये रहे बेल पेपर्स। छोड़ दो इन्हें। कमिश्नर साहब, लगता है अब इन्हें सजा मैं दूंगा। शंकर, आज से अपुन की और तेरी दुश्मनी पक्की हो गई। याद रखना शंकर, अंडरवर्ल्ड वाले कभी अपने दुश्मन को माफ नहीं करते। ए बाटला, चल मैं तेरे को छोड़ता हूं। नहीं नहीं साहब, मुझे अंदर ही रहने दो, अगर मैं बाहर गया तो लुक्का मुझे मार डालेगा। अबे मैं तेरे को गोल्डन चांस दे रहा है, लुक्का का जमानत हो गया है, इससे पहले कि वो यहाँ के तेरा मर्डर कर दे तू यहाँ से निकल ले, और मौका मिलते ही लुक्का का मर्डर कर देना और अंडरवर्ल्ड डॉन बन जाना, मैं तेरा पार्टनर बनेगा, मैं तेरा साथ देता है, तेरे को समझ में आता है कि नहीं? नहीं इंस्पेक्टर, नहीं, मुझे तुम्हारी बात पर भरोसा नहीं आता। अबे मेरी बात का भरोसा कर और चल निकल यहां से। क्या बाटला, देखा लुक्का भाई तेरे कैसा घुमा फिरा कर सिलाटर हाउस तक लेकर आया? तू क्या समझा वो इंस्पेक्टर तेरा हमदर्द है? अरे पागल, भाई भाई पे भरोसा करता है, औरत मर्द पे भरोसा करती है, लेकिन पुलिस पे कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। बाटला, तूने लुक्का भाई के खिलाफ जबान खोली ना, अब समझ ले कि तेरी बाटली फट गई। लुक्का भाई मुझे माफ कर दो, लुक्का भाई मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। तू कैसे भूल गया, जब तू छोटा सा था तेरी इतनी सी थी, साला मेरा दूध पी पी कर बॉडी बिल्डर बन गया और मुझे दिखा रहा है तू? अब मैं तुझे दिखाऊंगा, खड़ा करके मारूंगा तुझे। नहीं।
गया। देख शंकर, बाटला के चिता का हर शोला चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा है कि मैंने तेरी प्लानिंग फेल कर दी। मेरी प्लानिंग तो तेरा बाप भी फेल नहीं कर सकता। बस इतना समझ ले कि बाटला की मौत आने वाले तूफान का एक इशारा है। इशारा नहीं, पिक्चर का ट्रेलर। जब पिक्चर का क्लाइमैक्स होगा अपन तेरी चिता इधर ही जलाएगा। क्लाइमैक्स? टकले, तेरे घर में कैलेंडर है? 97 गौर से देख ले, क्योंकि 98 तू देख नहीं पाएगा। कुछ भी हो शंकर, जुर्म खत्म नहीं होगा। लड़की को छोड़ दो वरना तुम सबको शूट कर दूंगी। हमारे बनते हुए काम को बिगाड़ने वाला कौन है रे तू? देखने में बेवड़ा, भागने में घोड़ा और मारने में हथौड़ा। ये गुंडे नहीं आएंगे। आपने कानून की बहुत बड़ी मदद की है। मैं आपको कानून से एक बहुत बड़ा इनाम दिलवाऊंगी। ये कानून और भगवान जब देता है ना तो छप्पड़ फाड़ कर देता है, और जब लेता है तो थप्पड़ मार कर लेता है। लगता है आपके दिल को बहुत बड़ी चोट लगी है, इसलिए आपका दिल टूट गया है।
तूने लखनऊ जलंधर बांद्रा बोरीबंदर घूम के 418 लड़के देखे, कोई लड़का पसंद आया कि नहीं तुम्हें? एक भी पसंद नहीं आया, सब के सब आधे अधूरे हैं। हे ऊपर वाले, क्या हो गया है तेरे सांचे को? जो अधूरे ढांचे पैदा करता है, कोई पूरा लड़का पैदा करके मेरी लड़की के लिए भेज, ताकि उसे पसंद आ जाए, मालदार भी हो और उसकी शादी हो जाए मेरी बेटी के साथ। मैं एक बार नहीं 100 बार कह चुकी हूँ, गोविंदा जैसा पूरा लड़का नहीं मिलेगा। मैं शादी करूँगी सिर्फ गोविंदा से, क्योंकि मैं भी मनीषा कोइराला जैसी दिखती हूँ। अरे बेटी, मनीषा गोविंदा की बात जाने दे। जब से गोविंदा की राजा बाबू हीरो नंबर वन कुली नंबर वन हिट हुई है ना, उसके घर के सामने तो लड़कियों की लाइन लगी है, वहाँ तो हाउसफुल का बोर्ड लगा हुआ है। तो मैं भी ब्लैक में टिकट खरीद के सबसे आगे घुस जाऊंगी और फिर देखना, मैं गोविंदा की बीवी नंबर वन बन जाऊंगी। हाँ। तेरे मुंह में घी शक्कर की फैक्ट्री, अरे कोई तो मिले तेरा बोझ उठाने वाला। मेरा बोझा तो गोविंदा उठा लेगा, मगर ये बोझा कौन उठाएगा? हाँ? आवाज दे कुली को। कुली, कुली, कुली। अरे जिसके लिए टूटा है मेरे दिल का शीशा, ये तो वही है मनीषा। अरे जो है सबसे प्यारा बंदा, ये तो वही है गोविंदा। मनीषा, गोविंदा, मनीषा, मनीषा, मनीषा। क्या कर रहे हो तुम लोग? डैडी देखिए ना, मेरे सपनों का ताजमहल आज मुझे रेलवे प्लेटफॉर्म पे मिल गया है। ताजमहल? अरे बेटी, ये सपनों का ताजमहल नहीं है, ये तो वो झोपड़ा है जिसको न छत है न दीवार, न अंदर जाने का दरवाजा, न भागने के लिए खिड़की। अबे ओए कंगाल बैंक से भागी हुई झूठी चवन्नी, पहचान मुझे? मैं खनकता सिक्का हूँ। अबे जिसके सामने बहुतों का धंधा हो गया है मंदा, ऐसा हूँ मैं जिसका नाम है गोविंदा। अबे सेब कभी आलू के दाम नहीं बिकते, और गोविंदा जैसे सुपरस्टार ऐसे रेलवे प्लेटफॉर्म पर नहीं दिखते, तू तो डुप्लीकेट है। डैडी ये चाहे डुप्लीकेट हो या चाइना गेट, मैं शादी अभी इसी वक्त इसी से ही करूंगी। मनीषा, मनीषा। अरे बेटी तू इसके साथ शादी करेगी तो हिंदुस्तान में गरीबों की बस्ती डबल हो जाएगी। अबे फकीरों की बस्ती से भागे हुए सरदार, तू क्या मुझे फालतू समझता है? अबे कॉलर हिलाऊंगा तो डॉलर गिरेगा, कमर हिलाऊंगा तो रुपया गिरेगा। किधर है? अबे हिलाऊंगा तो गिरेगा ना। अरे वाह गोविंदा, क्या डायलॉग बोला है। मनीषा, अरे मनीषा तू देखती जा, थोड़ी देर में मैं इसका इतना कचरा करूंगा इसे अपने आप से नफरत हो जाएगी। अरे ये कब से मेरे को गधे की तरह लात मार रहा है और तू इसकी तारीफ किए जा रही है? अबे शमशान के होने वाले मेहमान, अगर तूने अपनी बेटी का हाथ सीधे तरीके से मेरे हाथ में नहीं दिया ना, तो इसे इस तरह से गायब करूंगा जिस तरह से किसी गंजे के सिर से उसके बाल उसकी खाल को छोड़कर गायब हो जाते हैं। भाई 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 भाई, चल बेटी, मैं तेरे को, मैं इसको दुनिया के सबसे बड़े ताले में बंद कर दूंगा, फिर देखता हूँ तू क्या कर लेता है। चल बेटी, चल। हाँ, दूसरी बैग किधर है? चल चल चल। मनीषा, मनीषा, मनीषा। अबे ताला बड़ा हो या छोटा, मेरे पास मास्टर की है। ये क्या कर रहा भाई? ये कांच के रेजे कलेजा काट के रखते हैं। कलेजा पहले से ही छलनी है, थोड़ा और कट जाएगा तो क्या हो जाएगा? लगता है दर्द सहने का शौक है। शौक नहीं, मजबूरी है। बेरहम कानून ने 10 साल पहले ही मुझे हर दर्द सहने पे मजबूर कर दिया। वो किस तरह, बता सकते हो? तुम पहले आदमी हो जो मेरा दर्द जानना चाहते हो। नाम अर्जुन है। 10 साल पहले मैं फौज में था और एक दिन जहाज मेरे का गोला बारूद और हथियार और देश की धज्जियां उड़ा दो। अरे ये कौन आ रहा है? लगता है कोई फौजी है। उड़ा दो साले को बम से।
देख लिया अपने साथियों का अंजाम। अब अगर हाथ पैर हिलाएगा तो इनके पीछे पीछे तू भी ऊपर चला जाएगा। अरे फौजी, अरे तेरा सिर फिरा क्या रे? अरे हमसे मत टकरा, जाएगा फौज में मौज मना। लोहे की छड़ी हाथ में लेकर हमें मत डरा। सर फिरे फौजी डराते नहीं, गिराते हैं। उन दुश्मनों की लाशें जो बॉर्डर पार से हथियार लाकर देश में तबाही मचाते हैं। अरे फौजी, तू ठाकुर विकराल उर्फ महाकाल के जुल्म का हालचाल नहीं जानता। ठाकुर जिस गांव से गुजरता है, पैदा होने वाला बच्चा डर के मारे मां के पेट में ही मर जाता है। तब तो तूने पैदा होते ही अपनी मां को मार डाला होगा। चल, कानून के हाथों अपनी करनी का फल भुगतने के लिए तैयार हो जा। अबे भौजी, कानून से वफादारी करके किसका भला हुआ है जो तेरा भला होगा? कानून सिर्फ भले के लिए ही नहीं, तुझ जैसे नासूरों को मिटाने के लिए भी बना है, जो भारत देश को चलता हुआ जंगल बनाना चाहता है। विक्राल, तुम्हारे चेहरे पे हवाइयां के उड़ने लगी। अरे आज मैं हवा में उड़कर नहीं आता तो वो फौजी का बच्चा हवालात में मुझे जूतों का हलवा खिलाता। मैं जानता हूँ उस फौजी को, उसका नाम है अर्जुन, नाग से ज्यादा खतरनाक है। अगर वो फौजी नाग है तो मैं अजगर हूँ, अजगर। अगर उसने मुझे डसा तो मैं उसे पूरा निकल जाऊंगा। जिस करिश्मा पे तुम्हारी नजर थी, अर्जुन ने उसे शादी कर ली। अरे वो करिश्मा जिसे मैं चाहता हूँ, मेरी नजरों से दूर नहीं जा सकती। अर्जुन, अर्जुन। करिश्मा, मुझे मालूम है तुम यहीं कहीं हो, बाहर आ जाओ। अगर मुझसे प्यार करते हो तो तलाश कर लो मुझे। ठीक है, तुम इसी तरह कंगना खनकाती रहो, पायल छनकाती रहो, मैं तो चला। Thank you.
अर्जुन जरा रुको तो, अब तो पास आ जाओ। मैं तुमसे दूरी कब था जो बार बार अपने पास बुलाती हो? यहाँ इतना सन्नाटा क्यों है? यहाँ के रहने वालों को विकराल ने चुन चुन कर मार डाला, पूरी बस्ती विकराल के कहर का शिकार हो गई। अब विकराल का कहर उसके लिए जहर बन जाएगा। तुम जाओ, इस सन्नाटे को तोड़ने के लिए मैं मौत का धमाका करूंगा। जाओ। अर्जुन ने मेरी पैदा की हुई दहशत और सन्नाटे को तोड़ डाला। अब मैं अपनी स्टाइल से करिश्मा दिखाऊंगा। अब मैं अपनी स्टाइल से कलाम मचाऊंगा। अर्जुन भैया कसम हो गया। क्या हुआ? विकराल ने करिश्मा को अगवा कर लिया। साल बाद आजादी के दिन मुझे रिहा कर दिया गया, पर एक दिन अचानक मुझे मालूम हुआ कि विकराल जिंदा है। मैं कच्ची गली
रुक जा। मुझे मत मार, मुझे मत मार, मुझे छोड़ दे। तेरी मौत मुझ पर उधार है विकराल। तेरे खून के चिर में मैंने उम्र कैद की सजा काटी है। तो बता, फिर तू जिंदा कैसे है? कौन था वो जो मरा था, बता। बताता हूं, बताता हूं। जब मैंने देखा कि तू मुझे मारने आ रहा है, बहुत ठंडे गए भाई, बहुत ठंडे गए, कुछ कपड़े दे दो। अरे ये तो हूबहू मेरे शकल का है, कुछ पहनने को दे दो। अगर मैंने इसे अपने कपड़े पहना दिए तो मेरी जगह ये मारा जाएगा और मैं बच जाऊंगा। ले पहन, भाग जा। और मेरी जगह तुमने मेरे हम शक्ल को मार डाला। बस अब तो मेरे मरकर जिंदा रहने का राज खुल गया ना, अब तो मुझे जाने दे। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुझे मारने के इल्जाम में कानून मुझे सजा दे चुका है। तुझे दोबारा मारने के बाद कोई जज मुझे सजा नहीं सुना सकता। जज साहब के पास मेरे किसी भी सवाल का जवाब नहीं था, मुझे छोड़ दिया गया और तब से मैं इसी तरह भटकता रहा। अर्जुन, तुम्हारा ऑपरेशन कामयाब हो गया, तुम बहुत जल्द अच्छे हो जाओगे। शुक्रिया दोस्त, तुम्हारी दी हुई जिंदगी मुझ पर उधार है, मौका मिला तो चुका दूंगा। कैसा उधार दोस्ती में, कैसा उधार है? बचाओ, रोको, रोको, रोको। और ये शंकर की बहन है। रोको प्लीज, रोको मंत्री जी, मुझे बचा लीजिए वरना ये गुंडे। घबराओ नहीं, घबराओ नहीं, हम तो जनता के सेवक हैं, हमारे नाते तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आओ आओ हमारे साथ। ये आप कहाँ ले आए मुझे? बिल्कुल सही जगह लाया हूँ, यही गुंडे तुम्हारी हिफाजत करेंगे। नहीं अब मैं तेरे शंकर भैया को बताऊंगा कि मुझसे दुश्मनी करने का अंजाम क्या होता है। हाँ, आज मैं तेरी इज्जत लूट के मुझसे की हुई दुश्मनी का बदला लूंगा। मुझे लुका, छोड़ दे। क्यों क्यों? मेरा भैया आएगा, शंकर भैया। शंकर भैया मुक्के में तुझे छक्का बना देगा। छक्का बना देगा शंकर भैया? अबे तेरी तो नहीं, बचाओ। आजा, आजा, बचाओ। आजा मेरे पास, आजा मेरे पास। मैं तेरे शंकर भैया को बता दूंगा, शंकर भैया को बता दूंगा मैं। मुन्ना मोबाइल, अगर लड़की ये बच गई ना तो मैं तेरा मोबाइल बंद कर दूंगा। अपना आपका शागिर्द है भाई, बेफिक्र रहो। Ah!
भैया, भैया, भैया। तेरा भैया, तेरा भैया तो क्या? यहाँ से कोई नहीं बचा सकता तेरे को। भैया। लक्ष्मी, लक्ष्मी, लक्ष्मी। इन पर से किसी पर शक है तुम्हें? नहीं इंस्पेक्टर, इनमें से कोई भी मेरी बहन का कातिल नहीं। लगता है कातिलों ने कानून से डर कर शहर छोड़ दिया। वो पाताल में भी चला जाए इंस्पेक्टर, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। सवाल शंकर का नहीं है, उसकी आंख का है जिसमें मुन्ना मोबाइल का चेहरा घूम रहा है। अगर गलती से भी मुन्ना मोबाइल उसके हत्थे चढ़ गया तो वो मुन्ना मोबाइल को पिचका कर पेजर बना डाले। बकवास बलगर। अरे मैं बकवास कभी करता ही नहीं हूँ। श्याना वो ही है जो ठंडी आने से पहले कंबल खरीद लेवे, भले वो चोर बाजार का क्यों ना हो। मुन्ना मोबाइल को मेरे पास भेजो, मैं उसको गाइड करेगा कि आगे करना क्या है। जैसा मैं बोलता है वैसा कर। शंकर की नजर में आया तो तेरा गापचा निकाल देगा कोपचे में। अरे तू है तो अपने को काय का टेंशन है, आने देना है, नहीं टाइम देख लेंगे अपुन। नहीं, तेरे को कुछ हो गया तो मेरा हफ्ता बंद हो जाएगा, समझने की कोशिश क्यों नहीं करता है? शंकर से भाग जा मुन्ना, भाग जा मुन्ना। तूने मेरी बहन के कातिल को भगा दिया साले। साला पुलिस पर हाथ उठाता है, गिरफ्तार कर लो। साला मुझ पर हाथ उठाता है, ऊपर से नीचे तक लाल कर दूंगा तेरे को। मेरे बहते हुए लहू और मेरी बहन की मौत का एक दिन तुझे हिसाब देना पड़ेगा। हिसाब किताब साफ करने के लिए एक शेर सुनाता हूँ। चमड़ी उखाड़ कर तेरा चेहरा बिगाड़ दूंगा, टुकड़े उड़ा कर तेरे दलदल में गाड़ दूंगा। आरामीपन की बदबू आ रही है काले तेरी बातों से, अब तो पक्की हो गई तेरी मौत मेरे हाथों से। देखा शंकर, लुक्का का सियासत। जो अपुन की बात मानता है ना, उसे मैं हिमालय के पहाड़ की चोटी पर बिठा देता हूं, और जो अपुन की बात नहीं मानता उसे हरी मिर्च की चटनी पर बिठा देता हूं। देख शंकर, बहन के मौत का बहुत गम है तो बाहर आकर दुनिया वालों के सारे चौकरी लोगों से राखी बनवा लेना। देख शंकर, आदमी से छोटी मोटी गलती हो जाती है, भूल जा उसे। कितनी आसानी से कह दिया लुक्का, ये छोटी सी भूल है, ये भूल नहीं घाव है मेरे कलेजे पर। तेरे दिन पूरे होने को आए हैं लुक्का। इंस्पेक्टर काले को मारने के जुर्म में अदालत मुजरिम शंकर को 6 महीने कैद की सजा सुनाती है। शंकर, कानून ने तुम्हारे साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी की है। फिकर मत करो अर्जुन, सजा खत्म हो जाने के बाद मैं कानून को बताऊंगा कि इंसाफ क्या होता है। अर्जुन, हम सबका एक ही मिशन है, लुक्का की मौत। क्या बाटला की खबर भी शंकर को आपने दी थी? हाँ, और इस बात का मुझे बहुत अफसोस है, अगर ये खबर मैं शंकर को नहीं देता तो शायद उसकी बहन की मौत नहीं होती। शंकर के बहन के कातिलों को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नहीं, पहले शंकर को बाहर आने दो, क्योंकि एक से भले दो होते हैं। अरे बेटी, अभी तो किसी को पसंद कर ले। इतनी बड़ी गाड़ी लगता है किसी हीरो की होगी। अरे बेटी, जितना बड़ा हीरो होता है ना उतनी लंबी उसकी गाड़ी होती है। आपने चश्मा पहन के
लगता है गोविंदा है। गोविंदा गोविंदा गोविंदा। कौन कौन? मैं तुम्हारी होने वाली बीवी। चलो फटाफट अग्नि को साक्षी मान के मुझे अपना बना लो और मुझे ससुर की गद्दी पर बिठा दो। पागल हो गया क्या? इस तरह राह पड़े हुए आदमी की बेटी को अपने गले का हार बना लो? अरे आप पड़े हुए नहीं है, खड़े हुए हैं और दौलत से भरे हुए खड़े हैं। क्या? हाँ, बहुत बड़ा बिजनेस है इनका। बॉम्बे में जितने घोड़े हैं सबको घास और चारा सप्लाई करते हैं ये। क्या वाकई आप इतने बड़े आदमी हैं? बिल्कुल। ओहो, तभी आपको देखकर ऐसा लगता है कि आप 1942 की लव स्टोरी हो, मगर इनको देखकर ऐसा लगता है कि जैसे किसी साइलेंट फिल्म के बोलते हुए विलन है। अबे परमानेंट फिल्मी बाप कादर खान के टेम्पर वाली बेटे, अगर विलन नहीं होता ना तो फिल्म नहीं बनती, और फिल्म नहीं बनती तो तू हीरो नंबर वन नहीं बनता। और मैं बीवी नंबर वन नहीं बनती। बीवी नंबर वन? अरे अरे कहीं तुम नेपाल का ताला मनीषा को हराला तो नहीं? बड़ी देर से पहचाना मुझे। ओ मनीषा माफ कर दो मुझे। अरे मैं तो तुम्हारा इतना बड़ा फैन हूँ कि मेरा दिल करता है मैं तुम्हारी आंखों में काजल बन के चिपक जाऊँ, तुम्हारे होठों से लिपस्टिक बन के लिपट जाऊँ, और तो और मैं साबुन बन जाऊँ ताकि तुम मुझसे नहा सको। ए, टॉवल बनने की कोशिश मत करना। ओहो डैडी, पति टॉवल तो क्या, बिस्तर और चादर भी बन सकता है। समझे फादर, जाओ जाकर किसी कुएं के पास अपने आंसू बहाओ। अरे आंसू तो तू बहाएगा जब इसकी माँ तेरे साथ झगड़ा करेगी। अरे माँ झगड़ा करेगी तो क्या हुआ, बेटी तो मेरे साथ है और इसकी बहन तो मेरी सहेली है और इसका भाई वो तो मेरा चेला है। चलो मेरी जान, चल कर लगाए प्यार की दुकान। लगा प्यार की दुकान बेटे, तू मेरी बेटी को पटाएगा ना तो कल सुबह रोएगा जैसे एक छोटा बच्चा अपनी माँ के सीने से लगकर रोता है। उए, उए। तेरी अम्मा से झगड़े और तेरा भाई मेरा चेला है मगर बाप तेरा अकड़े। इधर मैं हूँ उधर तू है बीच में सौ लफड़े। तेरे चाचा से दोस्ती, तेरे मामा से झगड़े, तेरी अम्मा से झगड़े।
है टेंशन बड़ी, तेरी बहना से दोस्ती, तेरी अम्मा से झगड़े, तेरा भाई मेरा चेला, मगर बाप तेरा अकड़े। इधर मैं हूँ उधर तू है, बीच में सौ लफड़े, तेरे चाचा से दोस्ती, तेरे मामा से झगड़े, तेरा दादा कहे बेटी, मगर दादी तेरी अकड़े। अरे इधर मैं हूँ उधर तू है, बीच में सौ लफड़े। चलो शंकर, तुम्हें रिहा किया जाता है, तुम्हारी सजा पूरी होगी। क्या हुआ मेरे दोस्त? कुछ नहीं, कुछ नहीं अर्जुन। झूठ बोल रहे हो, तुम्हारी आंखों में खौलता हुआ लहू चीख चीख कर कह रहा है कि इंतकाम की आग में तुम्हारा रुआ रुआ चल रहा है। हाँ, मेरा रुआ रुआ चल रहा है, लेकिन ये आग मैं बहुत जल्द बुझा लूंगा। अगर तुम अपनी बहन के कातिलों का नाम मुझे बता दोगे तो ये काम मैं ही कर दूंगा। नहीं अर्जुन, हरगिज नहीं। अर्जुन, अपनी पत्नी के कातिल को खत्म करने की इजाजत तुम मुझे दे सकते हो? नहीं दे सकते ना। बदले की आग तब तक नहीं बुझती जब तक उसे खुद ना बुझा लिया जाए। इसलिए जब तक कातिल को अपने हाथों से खत्म नहीं कर लेता, मुझे चैन नहीं मिलेगा। मुझे चैन नहीं मिलेगा अर्जुन। गीता, किस लिए बुलाया है मुझे? मैं जानती हूँ तुम्हें तुम्हारी बहन के कातिल की तलाश है। ये रहा मुन्ना मोबाइल, ये इस वक्त तुम्हें लोखंडवाला कॉम्प्लेक्स में मिलेगा। मुन्ना मोबाइल, लुक्का भाई, मैं मुन्ना मोबाइल बोल रहा है। अरे लोखंड वाला कॉम्प्लेक्स में जो 40 माले की सिंगानिया बिल्डिंग है ना, उधर अपने अपना कब्जा मार लिया ना भाई। और एक बात मैं बोलू, वो नीचे है ना अपने अपने पाटिया पे मार लिया ना लुक्का कंस्ट्रक्शन। ईमान से भाई, अरे का बम्बई में किसमें दम है जो अपन से नड़े यार। ओ लुक्का भाई, ए, 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 अरे पंच काय को मार रहे ला यार। अरे अरे पंच, अरे कहां मर गए सब, मुझे कुछ दिखाने दे दो।
अरे मुन्ना मोबाइल, तेरे मारना। शंकर, ये तू बहुत ऊंचाई से बात कर। क्यों इतनी ऊंचाई से डर लग रहा है मुन्ना? मोबाइल ला, मोबाइल दे। लेना मोबाइल लेना बाबा। जरा लुक्का का नंबर मिला। हेलो, कौन बोल रहा है? लुक्का को फोन दे। थोड़ी देर के बाद में फोन करो, इस समय वो अपने बाप की बरसी मना रहा है। उससे कहो बाप की बरसी बाद में मनाए, पहले इस बाप से बात करे। लुक्का भाई, शंकर का फोन है। हाँ बोल शंकर। बड़ी जल्दी अपने बाप की आवाज पहचान ली। जो कुछ बोलना है जल्दी बोल। तेरी तबाही का आगाज शुरू हो चुका है। अपने इस प्यादे की चीख सुन, चल साले। अपने प्यादे की चीख सुन ले लुक्का, इसे अपनी तबाही का आगाज समझो। शंकर ने मुन्ना मोबाइल को टपका दिया है। शंकर जहां भी मिले खत्म कर दो। ए, शंकर को देखा क्या? नहीं, मैंने नहीं देखा। लुक्का की ताकत है उसकी दौलत। उसे खत्म करने के लिए हमें उसकी दौलत को खत्म करना होगा। हमें खबर मिली है कि लुक्का अपने होटल में लाखों के तादाद में हथियार रखा है। अगर हम उसे आग लगा दे तो लुक्का खत्म। लुक्का से भीख मंगवाने का ये तरीका ठीक रहेगा। तब तो उसका बाजा बजेगा और बाजी पलटते उस हरामजादे के पैरों तले जमीन हट जाएगी। आज की रात है खास जो याद रह जाएगी। ऐसा बाजा बजेगा कि बाजी पलट जाएगी। पीले पीले पीने वाले ये दिन फिर ना आने वाले। हम आए हैं तुझे बताने, तू माने ना माने। Hey, hey, hey.
वाले, ये दिन फिर ना आने वाले, हम आए हैं तुझे बताने, तू माने ना माने। क्या बात है? लुक्का से जाकर कहे थे कि उसके गोडाउन ब्लास्ट करके मैंने उसे भिखारी बना दिया। क्या क्या? और उसे कहना कि अगर पुलिस और सियासत उसकी जर खरीद गुलाम है तो तुझे बचा ले, क्योंकि कल 12 बजे मैं तुझे खत्म कर दूंगा। अरे दे दे, भगवान के नाम पे लुक्का को भीख दे दे, तरमार खाने वाले को बासी रोटी और सड़ी हुई दाल दे दे। ये देख, ये लुक्का भीख मांग रहा है। अरे जिसके एक धक्के से कानून हक्का बक्का हो जाता है वो लुक्का भीख मांग रहा है, दे दे भगवान के नाम। मना किया था, मना किया था, जिससे दुश्मनी है उसको मार, लेकिन तेरे को दुश्मन की माँ बहन की इज्जत लूटने में मजा आता है। अगर शंकर की बहन की इज्जत ना लूटी होती तो ये दिन इसको देखने नहीं मिलता। साला 3 सितारे इधर और 3 सितारे उधर लगाकर अकड़ रहा है। सालन को चमकाने के लिए पॉलिश का पैसा मुझसे लेता है और मुझ पे ढोर जमा रहा है तू। अरे तुम दोनों आपस में झगड़ा करते रहोगे या मेरे बारे में भी सोचोगे? उस शंकर ने मुझे सिर्फ 12 घंटे की मोहलत दी है मेरी जान के लिए। कोई चक्कर चलाओ और शंकर से मुझे बचा कर मेरी उम्र को बढ़ाओ। एक काम करो, मुझे बांग्लादेश या पाकिस्तान भिजवाओ। अरे नहीं सलीम चिकना, तू अगर देश छोड़कर चला गया ना तो लोग समझेंगे कि लुक्के का बैंड और बाजा दोनों साथ में बच गया। और अगर शंकर ने मेरा बैंड और बाजा दोनों साथ में बजा दिया तो क्या होगा लुक्का भाई? वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। अरे मेरी बात सुन सलीम चिकना, मैं ऐसा करता हूँ, तेरे को 24 घंटे के लिए लॉकअप में सड़ा देता हूँ, फिक्र मत कर। मैं तेरे को गाली दिया ना तेरी माँ को बुरा लगेगा, समझा ना? अबे आजकल तो लॉकअप और अदालत में भी मर्डर होते हैं। अरे क्या कह रहे हो, तो फिर कैसे बचू, कहाँ जाऊँ मैं? एक मिनट, फिक्र मत कर तू चिकना, मैं हूँ ना, कुछ न कुछ रास्ता जरूर निकलेगा। दिखाल जा तो ऐश कर। क्यों, क्या हुआ, करो ना। क्या करूँ, मुझे अपनी खुद ही कबर और कटावा कफन दिखाई दे रहा है, ऐसे में मैं कुछ नहीं कर सकता। क्यों, तुमने कुछ किया क्यों नहीं? कैसे करूं, वो शंकर है ना, उसने मेरी पहले कर दी है। उस लुके का भी कोई पता नहीं है, इससे पहले के शंकर मेरे 12 बजे, मैं 11 बजे ही निकल लेता हूँ। ये लुक्का तो है पैदाइशी बेईमान, ये क्या भेजेगा मुझे बांग्लादेश या पाकिस्तान? मैं तो दुबई का ठप्पा लगाकर निकल लेता हूँ, सटक लेता हूँ, बाप निकल ले, चल उड़ जा रे। जिसके पासपोर्ट पर शंकर मौत का ठप्पा लगा देता है उसे सिर्फ ऊपर का वीजा मिलता है। शंकर तू यहाँ? अरे अभी तो सिर्फ 11 बजे है, 12 बजे में तो पूरा 1 घंटा बाकी है। शंकर मुझे माफ कर दे, मुझे दुबई जाने दे। नहीं, नहीं, नहीं। मुझे माफ कर दे, 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 दे। अब मत मार। अरे अरे भग मार, भग भग मार रहा तू। बचाओ, अरे बचाओ, बचाओ रे, अरे कोई बचाओ, अरे बचाओ। लो, सलीम चिकना मारा गया, सारे धंधे बंद हो गए, गुंडे डर कर अंडरवर्ल्ड हो गए। कुछ करो इंस्पेक्टर, कुछ करो, मेरे राज में ऐसा ही होना था क्या? कुछ करो।
साला समाज अगर सुधर गया ना तो नेता पुलिस और गुंडे सब कंगाल हो जाएंगे। एक चाल चली जा सकती है। जैसी चाल चलनी है वैसी चलो, मगर अपनी जगह से हिलो तो सही। मैं ऐसा करता हूँ, कमिश्नर साहब से बात करके उस पर टाटा लगवा देता हूँ और देखते ही साथ गोली मारने का ऑर्डर भी पास करवा देता हूँ, फिर देखता हूँ साला बच के किधर जाएगा। भाई काले, मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा। बिना किसी ठोस सबूत के मैं शंकर पे ताड़ा नहीं लगा सकता, और ताड़ा कानून को तुम जैसे लोगों ने बदनाम किया है। जब किसी पे बस नहीं चलता तो ताड़ा लगाकर ठोस देते उसे जेल में। मैंने आपको एप्लीकेशन दिया, आपने उसको मृत्युदाता की तरह फ्लॉप कर दिया। ठीक है, मेरे पास जब भी आया करो बेबुनियाद केसेस लेके मत आया करो, समझे? अच्छा, एक आदमी को 40 माले से नीचे फेंक दिया, दूसरे को एयरपोर्ट पे मार दिया, एक का गोडाउन ब्लास्ट कर दिया। अगर ये सब काम नेक है तो आप अपने हाथों से उसे परमवीर चक्र दे दीजिए ना। वक्त आने पर उसे परमवीर चक्र मिलेगा, लेकिन तुम्हारे कहने पर मैं उस पर ताड़ा नहीं लगाऊंगा, समझे? लेकिन मैं उसको देखते ही गोली मार दूंगा, मुझे अपना काटा निकालना आता है। अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हारे खिलाफ डिपार्टमेंट में कार्रवाई होगी। मैं प्रेस को तुम्हारे सारे कारनामे बताऊंगा, बदनाम कर दूंगा तुम्हें। अच्छा, जो जी में आया करो, लेकिन एक शेर सुनो, बेगैरत बेशर्म बनो, किसी से कभी मत डरो, जब कोई गाली दे जी भर के हंसो, जी भर के हंसो। जाता है साहब। गेट आउट। अरे मंत्री, अपनी पावर दिखा, पावर। उस कमिश्नर की वर्दी उतार कर नंगा कर दे सारे को। ये काम बड़ा मुश्किल है लुका। अगर ये बहुत मुश्किल है तो तुझे एक आसान काम बताता हूँ, फुटपाथ पर जाके बैठ और सांढे का तेल बेच, सांढे का। क्या बकता है? अबे बोलता है, कोई चाल चल के दिखा। वो इंस्पेक्टर काले का कमिश्नर होना बहुत जरूरी है, याद रखना मंत्री। ठीक है, मैं काम करता हूँ। इंस्पेक्टर काले का प्रमोशन और कमिश्नर का ट्रांसफर ऑर्डर, उनका हुक्म देता हूँ। अब आया ना रास्ते पे। लुका भाई, खबर मिली है कि गीता शंकर के साथ देखी गई है। अच्छा, गीता। Shotgun!
सुना है कमिश्नर? अखबार देख रहे हो? कल रात बंगले में लड़की का गला दबा के कातिल फरार हो गया। इससे पहले भी उसने कई खून किए हैं। आखिर ये कातिल अब तक अरेस्ट क्यों नहीं हुआ? क्यों इंस्पेक्टर काले, ये एरिया तुम्हारे अंडर आता है ना? सर, एरिया मेरे अंडर में जरूर आता है, लेकिन मैं तो कमिश्नर के अंडर में हूँ ना। सर, बिना किसी ठोस सबूत के ताड़ा लगाना ताड़ा कोर्ट का वायलेशन है, यह अकलमंदी की बात नहीं है। जब तक तुम्हारी अकल के घोड़े दौड़े तब तक ना जाने वो कितने खून कर चुका होगा। ताड़ा एप्लीकेशन पर दस्तखत करो और शूरे साइड का ऑर्डर करो इमीडिएटली। सर, मेरा जमीर तो नहीं मानता, लेकिन आप कहते तो साइन कर देता, क्योंकि ऑर्डर्स को फॉलो करना मेरा धर्म है। काले, आखिर तो अपनी चाल में कामयाब हो ही क्या? इस बात पर एक शेर सुनो, जिंदगी चाहते हो तो हमसे बचकर रहना, जहां नींबू नहीं जाता वहां नारियल घुसड़ देते हैं। शंकर, मंत्री ने तुम पे ताड़ा लगा के बहुत बुरा किया, अब तुम मंत्री को ऐसा मोहरा बनाओ कि वो तुम्हारे इशारे पे नाचने लगे। डम डम डम। खंजर मैं तेरे सीने में भी गाड़ सकता था, मगर तू मर जाता, फिर तुझे ये पता कैसे चलता कि तेरी वो फाइल मेरे कब्जे में है जिसमें तेरे काले कारनामों का सबूत है। सबूत? मेरी फाइल? हेलो मंत्री साहब, जिस फाइल की आपको तलाश है वो इस वक्त मेरे कब्जे में है। क्या? वो तमाम फाइल्स जिनमें मेरे कपड़े और बेनामी जायदाद के हिसाब किताब हैं, वो तुम्हारे पास है? देखो, वो मुझे वापस कर दो, तुम्हें जो कीमत चाहिए वो ले लेना। आज के बाद ना तुम लुक्का से मिलोगे ना उस इंस्पेक्टर से। अगर तुमने उनकी मदद करने की कोशिश की तो ये फाइल मैं सीबीआई के हवाले कर दूंगा। तुम जो कहोगे मैं वही करूंगा, तुम जो कहोगे मैं वही करूंगा। हाँ, समझदार हो। गुड बाय। ओके। गुड इवनिंग सर। बोलो काले, क्या बात है? टेक इट इजी सर, टेक इट इजी, आपके आराम करने के दिन आ गए। क्या मतलब? ये देखिए, जिस होम मिनिस्ट्री से आप मुझे हमेशा डराया करते थे, उसी होम मिनिस्ट्री ने आपका ट्रांसफर का ऑर्डर पास किया विद इमीडिएट इफेक्ट, और साथ ही साथ मुझे कमिश्नर बनने का ऑर्डर भी पास किया है विद इमीडिएट इफेक्ट। काले, मुझे अपने ट्रांसफर होने का गम नहीं है, तुम्हारे कमिश्नर बनने का तुक जरूर है। हाँ, तो फिर मातम मनाओ, सीना पीटो, हाय हाय करो, लाल झंडा लेकर दिल्ली जाओ, मगर ये कुर्सी खाली कर दो। हाय, कितने अरमान थे मुझे इस कुर्सी पर बैठने के लिए। मगर जाते जाते एक शेर सुनते जाओ, कुछ इस तरह से बुने हैं मैंने तकदीर के धागे, अच्छे अच्छों को झुकना पड़ता है मेरे आगे। सभी लड़ो। ए इधर ला। आपके लिए नहीं, इनके लिए। हाँ? जानते हो काले, ये क्या है? क्या है? मेरा ट्रांसफर कैंसिल कर दिया गया है और तुम्हें पुलिस से सस्पेंड कर दिया गया है। क्या? ये कैसे हो सकता है? कभी कभी हो जाता है काले। याद है काले, एक दिन तुमने कानून को नेताओं की रखेल कहा था। रखेल कानून नहीं है, रखेल तुम जैसे लोग हैं, गुंडों की रखेल। और जब रखेल बुढ़ी हो जाती है तो उसे लात मार दी जाती है, और लात किस जगह मारी जाती है ये तुम अच्छी तरह से जानते हो। नाउ काले, जस्ट गेट आउट, रिमूव दी स्टार्स एंड रिमूव द बेल्ट एंड गेट आउट विद इमीडिएट इफेक्ट। कम ऑन। और काले, एक शेर मुझसे भी सुन। जिनमें हो जाता है अंदाज़े खुदाई पैदा, हमने देखा है कि वो बुत तोड़ दिए जाते हैं। नाउ गेट आउट। अबे क्या बे, सलाम नहीं मारता है साहब को?
अपन सलाम है ना, तेरे पट्टे और कुर्सी को करता था, अभी पट्टा उतर गया और तू कुर्सी से लुढ़क गया, आप काय का सलाम? अच्छा ला, चल जीप की चाबी ला। जीप की चाबी? ये जीप है ना सरकारी है, और अब तेरे थोपड़े में बेकारी है, जा बस पकड़ कर घर जा। और सुन, बस में टिकट लेना, उधर वहां मत झाड़ना, वरना कंडक्टर ना तेरे को बस से उतार देगा। अब इस वर्दी में ना तू साहब नहीं चपरासी लगता है, चपरासी। तू आ जा, 12-13 को बताता हूं। ताला पट्टा क्या उतरा, कुत्ते भी शेर की तरह बात करने लग गए। शंकर, शंकर मैंने नौकरी वोकरी सब छोड़ दिए, बुरे काम सब छोड़ दिए। नहीं बचो, अरे बचाओ। अरे अरे मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे को बचा लो, नहीं तो वो गुंडा शंकर मेरे को मार डालेगा। चल भाग यहाँ से, बहुत उंगली किया करता था पब्लिक को, आज जब डंडा पीछे लगा है तो मदद मांगने आया। अरे मेरे दोस्तों, मेरे को पहचानो, मैं इंस्पेक्टर काले हूँ। मैं कंप्लेंट करने आया था कि मेरी बहन को कुछ गुंडे लोग छेड़ते हैं, तो तूने क्या बोला था याद है? क्या बोला था? तूने बोला था छोकरी बने छेड़ने के लिए, छतरी बने खोलने के लिए, चादर बने ओढ़ने के लिए, याद है ना? साला मंत्री कमिश्नर का ट्रांसफर हो गया, काले को डिसमिस किया गया, शंकर ने बाद में उसे मारा, सब जानता है तू? जानता हूँ। अबे जानने के बाद भी सो रहे है क्या तू? क्या करूँ लुक्का, मेरी सीक्रेट फाइल वो हरामी शंकर उड़ा के ले गया है, अगर उसने सीबीआई को वो फाइल दे दी तो मुझे जेल की हवा खानी पड़ेगी। इसका मतलब तू वो मर्द बन गया है जिसकी औरत बच्चा पैदा करने के लिए पड़ोसी के घर में जाती है। अगर तुम में इतना दम है ना लुक्का, तो वो फाइल मुझे लाकर दे, फिर देखना तेरे घर में मेरे बच्चे खेलेंगे लेकिन तुझे डैडी कहकर पुकारेंगे। बास्टर्ड, साला ये मंत्री भी पलटी खा गया, बोलता है उसकी नाड़ी शंकर के हाथ में है। लुक्का भाई, अब एक ही रास्ता बचला है, शहर के हर गुंडे को शंकर का सुपारी दे देने का। मंत्री जी, मेरे डैडी हैं। किसकी बेटी हो तुम? मैं आपके ड्राइवर की बेटी हूँ। ड्राइवर की लड़की इतनी सेक्सी? हाँ, वो आती होंगे, आओ मैं तुम्हें ठंडा पिलाता हूँ, ये लो। थैंक यू। ओहो, वंडरफुल वंडरफुल। ये क्या कर रहे हो? छोड़ दीजिए मुझे, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए मत, मुझे मुझे छोड़ दीजिए। शंकर भैया, शंकर भैया, मेरी बेटी को बचा लीजिए, नहीं तो मंत्री जी उसकी इज्जत लूट कर उसको मार डालेगा, आपकी बहन को भी। मंत्री जी ने लुक्का तक पहुंचाया था और लुक्का ने उसकी इज्जत लूट ली थी। शंकर भैया, तुम? मेरी बहन को लुक्का के हवाले किसने किया था? शंकर मेरी बात तो सुनो, देखो क्या है कि शंकर, शंकर शंकर मेरी बात सुनो, शंकर
हेलो हेलो, लुक्का भाई है? मैं उसका भाई टकला बोल रहा हूँ, बोल क्या काम है? अपन टिमकारी स्टेट का दादा बोल रहे ले। अपन को मालूम है शंकर किधर है। कहाँ मिलेगा वो? काले किले के पीछे। धोखा दिए तो जानता है क्या होगा? मार डाला जाएगा। अपन को पैसा मांगता है, अपन सच बोलता है। ठीक है, मैं आता हूँ। क्यों भेजा टकले को अकेले शंकर के साथ लड़ने के लिए? क्यों भेजा? न जाने अब टकले का क्या होगा। तेरे को ढूंढ निकाला है, तेरा इस दुनिया से कनेक्शन कट। तुम्हारी ये गोली लोहे के शरीर के पार नहीं जा सकती। सलाखों के पीछे मुझे बंद करके तुम समझती हो कि लुक्का बच जाएगा? हाँ। नहीं, मैं लोहा हूं लोहा। इन सलाखों को काट कर बाहर निकल जाऊंगा और लुक्का को और लोहे की गोलियां तुम्हारा सीना छलनी कर देंगी। मरने से पहले लुक्का को तो नहीं छोड़ूंगा। लुक्का की मौत मेरी जिद नहीं इंस्पेक्टर, मेरी जिंदगी का मकसद है। अरे छोड़ यार, अरे छोड़। क्या है? साहब, मैंने किसी को पूछा कि पीने के लिए ऐसी जगह बताओ जहाँ कानून ना। मुझे कुछ समझ में नहीं आया कहाँ पीऊँ, तो इधर चला आया। बकवास बंद कर। अच्छा बकवास बंद। अच्छा इसमें तो एक बात बताओ, अगर मैं इधर किसी को मारूं तो क्या होगा? अंदर बंद कर देंगे। अंदर बंद कर देंगे? पकड़ो। लुक्का भाई, शंकर ने टकले को तोड़ डाला। मालूम था टकला नहीं बचेगा। जब गर्म पानी में शक्कर गिरती है तो पिघल जाती है। शंकर, तूने मेरी आखिरी कुंडी भी तोड़ दी। कसम है मेरी मां की, तेरी चिता पर हंडिया पुनश फोड़ेगा। शंकर तो खाली घड़ी का काटा है भाई, घड़ी की चाबी घुमाने वाला तो मुस्तफा भाई है। बंगले में रहने वाले लुक्का, आज तेरे सर पर छापरा भी नहीं है। नहीं मुस्तफा, नहीं, मैं तुझे माफ नहीं करूंगा। मैं तुझे ऐसा साफ करूंगा जैसे हजाम दो बार साबुन लगा के दाढ़ी साफ करता है। तू क्या साफ करेगा मेरे को? साफ तो मैं करूंगा तेरे को। आज तेरा आखिरी अड्डा भी मैं उड़ा दूंगा। अबे तुंडे, अंडे मारने से किसी का सर नहीं फटता क्या? अंडे नहीं, आज मैं अपने बदन पे बॉम्ब बांध के आया। क्या? 2 मिनट के अंदर तू और तेरी ताकत राख का ढेर बन जाएगी। अबे चिथड़े हो जाएंगे तेरे। डर मरने से डर मुस्तफा, मरने से डर। जिसका ईमान पक्का हो, जो मुसलमान सच्चा हो, वो देश के लिए मर तो सकता है लेकिन डर नहीं सकता। साला जाते जाते चोट दे गया। इस टाइम पे मेरे को इंस्पेक्टर काले का एक शेर याद आ गया।
गुरु आया था तो गुरु घंटाल भी आएगा। मेरे हाथों से अपनी मौत को कभी टाल नहीं पाएगा। जुल्म को फनाह करने के लिए मौत से टकरा गया है तो उसे लोहा लेने के लिए देख ये लोहा आ गया है। अरे लोहा हो या फौलाद या हो पहाड़ों की औलाद, जम के फटके लगाऊंगा। यहां मेरी हुकूमत है, तेरे छक्के छुड़ाऊंगा। मारने वाले सुन, तू कुछ घड़ी का मेहमान है, तेरी ही हुकूमत में तुझसे जंग का ऐलान है। अर्जुन, शुक्र है भगवान का, तुम्हारी दी हुई जिंदगी आज काम तो आ गई। अर्जुन, तूने मेरी गोली अपने सीने पे ले ली। तुम्हारा जिंदा रहना जरूरी है दोस्त। लुक्का अभी तक जिंदा है, जाओ अपना अधूरा काम पूरा करो। जाओ दोस्त। अर्जुन, अर्जुन महाराजा लुक्का, तू बचेगा नहीं। Thank you.
लोहे से लोहा लेने का मजा आया? लोहे से लोहा कट सकता है लुक्का, लोहा मर नहीं सकता। शंकर, अपने आप को कानून के हवाले कर दो।